करता हूँ कि नहीं लाइन डोरी है, सब कुछ दिखाऊंगा आपको लाइन डोरी पट्टी, क्योंकि मैं माचन करके ही एक जो पट्टी देख रहे हैं मैं माचन करके ही खींच रहा हूँ, तो पट्टी में हमारा टैग आना चाहिए। आप देख सकते हैं इधर से भी पट्टी में पूरम पट्टी में है, इधर भी अप डाउन नहीं होता है। इधर से भी आप लोगों को दिखाता हूँ, इधर से ये देख सकते हैं पूरा पट्टी में। अगर ऐसा पट्टी में आप नहीं रहे, चाहे नहीं रहे, तो समझिए हमारा माचन खराब हो रहा है। और लाइन डोरी भी दिखाऊंगा, क्योंकि लाइन डोरी में भी मान लो यहाँ पे मैं ये हथौड़ी दे देता हूँ, उसके बाद आपको नहीं दिखाई देता होगा, लेकिन लाइन डोरी पकड़ेंगे तो ऐसा हिलाना, एक मिनट अब देख सकते हैं पूरा हिलता होगा, ये थोड़ा उठा करके देखो ये पूरा हिलता होगा लाइन डोरी में, पूरा है ये फ्लोरिंग। मैं कल के वीडियो में दिखाया था कि लाइन डोरी कैसे चेक किया जाता है, थोड़ा हल्का यहाँ पे उठाओ, अरे यहाँ पे जितना उठाएंगे वहां पे भी यहाँ तक आपको खुलना मांगता है, क्योंकि थोड़ा सा खुलना मांगता है। और नहीं होगा तो ऐसे आप थोड़ा लाइन डोरी टाइट करके ऐसा आप चेक कर लीजिए, ऐसा कि पट्टी में है कि नहीं, ऐसा डोला के चेक करेंगे तो क्या होगा लाइन डोरी में रहेगा। और इधर का मैं तो दिखा दिया हूँ पट्टी में है कि नहीं है, अब इसको हम औठा मारेंगे, थोड़ा औठा ऊपर नीचे है, क्योंकि इधर से जाने आने का रास्ता हो जाता है, पूरा फ्लाइट फ्लोरिंग करने में जाने आने का रास्ता हो जाता है, तो औठा मारेंगे। तो औठा कैसे मारा जाता है, मान लो यहाँ पे मेरा टाइम उठा है, तो हम कैसे इसको बराबर करेंगे, बराबर कितना मिस्त्री क्या करता है कि यहीं पे ठोकने लगता है, यहीं पे कोना पे, तो आपको कभी भी कोना पे नहीं ठोकना चाहिए, यहाँ से आपको मिला के लेके जाना है, ऐसे ये हाथ से दबा के पकड़ना है, इसके बाद यहाँ से आपको यहाँ से आपको ठोकने निकालना है, इसे करके ये कोना उठा है, ऐसे करके मिला देंगे, ये भी लिया अभी इधर थोड़ा उठा है, तो इसको भी हम ऐसे ही मिलाएंगे, ऐसा मिलाएंगे। और बहुत मिस्त्री क्या करता है, ये कोना उठा है तो यहीं पे ठोकेंगे, यहाँ पे अगर ठोकेंगे तो क्या होगा आपका टाइम नहीं बराबर होगा, क्योंकि कोने में थोड़ा कम माल या ज्यादा हो ही जाता है, तो कोने से यहाँ से आप ठोकेंगे तो बराबर होगा, इतना अगर ये कोना उठा है तो इतना दूर का टाइम को आपको ठोकना है, और पूरा टाइम उठा है तो ऐसे बीच में ऐसे पकड़ के ठोकेंगे, और ये हाथ से ऐसे दबा के पकड़ेंगे, क्योंकि ये हाथ समझता है कि कितना ये टाइम को ठोकना पड़ेगा, करके आपको मिला देना होगा। वैसे तो मेरे टाइम में ज्यादा ऊपर नीचे नहीं,
कहते हैं कि मैं किधर भी ऊपर नीचे के लिए मैं गोनी वोनी या टाइल का बॉक्स नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं टाइल ऐसा ही ठोकता हूँ कि ये एक बेडरूम हो गया, ये दूसरा बेडरूम हो गया, ये पैसेज का भी नहीं मिलाया हूँ। आप देख सकते हैं कि सीमेंट पानी थोड़ा निकल सका, आप बोलते होंगे कि वैसे ही बता रहा है, अब ये इसको मिलाया हूँ, पैसेज को अभी नहीं मिलाया हूँ, हॉल आधा मिला लिया हूँ। उसके बाद हम ये देख सकते हैं किचन, ये किचन है, किचन को भी मैं मिला चुका हूँ। इसके बाद हॉल को मैं यहाँ से मिला लिया हूँ, और इतना दूर बाकी है, जाने आने के वाला रास्ता मैं छोड़ करके मिला दिया हूँ। अब पैसेज को मिला के उसके बाद हम चले जाएंगे, ऐसे ही आपको मिलाना है।